मानवता को संसार करती घटना आई सामने, नाबालक के साथ दुष्कर्म और हत्या की कोशिश। घटना ललितपुर उत्तर प्रदेश के जाखलोन थाना क्षेत्र की। पीड़ित नाबालिग ने गांव के युवक पर लगाए आरोप। विरोध करने पर किशोर के साथ की गई मारपीट। मारपीट के दौरान लड़का हुआ बेहोश। किशोर को अस्पताल लाकर उसका इलाज कराया जा रहा है। जाखलोन पुलिस ने संबंधित दोषी पर कार्रवाई करते हुए उसे अंडर कस्टडी ले लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस प्रकार की कार्रवाई संबंधित व्यक्ति पर होती है। एसपी का क्या कहना है, पीड़ितों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारा बच्चा हूँ गोलू उर्फ संजीव सन ऑफ मलखान, गांव में बैठा था, बैला फुसला कर गांव की बाहर लेवा ले गया और एक गांव से दूर बगीचा है 1 किलोमीटर लगभग, वहां पर उसने गलत काम किया। उसने भागने की कोशिश की, मुँह दबा कर और उसने गला मसक दिया, गला घोट कर अपने समझ में उसने मरणासन अवस्था में छोड़ दिया नाले के पास, और नाले के पास पत्तों से ढक दिया। उसको जब होश आया तो गिरते उठते गांव के पास आ गया, घर पर आया। इसी जानकारी में हमें मिली तो हम थाने गए, थाने से यहाँ पर भेजा, यहाँ से फिर घर गए और घर उसकी हालत गंभीर हुई तो हम दोबारा आए। अभी कहाँ है बच्चा? अभी यहाँ अस्पताल में है। क्या हालत है? इमरजेंसी में है, हालत गंभीर है। और पुलिस ने कोई कार्रवाई? पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया लेकिन हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी जानकारी के हिसाब से। क्या हो गया था बेटा? हम बैठे थे घर, ऐसे बिल्लू आ गए घर। कौन लो आ गया? बोलू घर से तो हम पानी डाली काटे खजो से लो आ जाके हम घर आया थे। सुनने जबरदस्ती करी हमसे और घर आए की पहले सुनने पकड़ के मुँह पे कछु वो करके डाल लो नाक पे और तब इस हमारा ने पार के आड़ो डाल लगे हमें जबरदस्ती करी वे हमें खबर नहीं आओ मारी तो। हाँ किस चीज से मारा था? लाते लाते नहीं थी पर कछु छिड़क के हमारे लाने आड़ो डाल पर खबर नहीं है। क्या नहर में डाल गए थे ऊपर से पत्ता? फिर कैसे आप घर आए, कैसे कब हुआ? हमें होश आया तो हम दौड़ कर आए घर पर। थाना जाखलोन अंतर्गत एक गांव है, उस गांव के एक व्यक्ति ने यह तहरीर दी है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उसके भतीजे के साथ मारपीट की है। तत्काल एफ आई आर दर्ज की गई है, अभियुक्त इसमें जो उसको अरेस्ट कर दिया गया है, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो अन्य तक प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्निवैधानिक कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। अक्यूज अरेस्ट कर लिया गया, कठोर वैधानिक कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे इसमें।